हिटलर का पोलैंड पर कब्जा हो चुका था तथा ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर किया जा चुका था। अब हिटलर की नजर फ्रांस पर थी, पर फ्रांस को हराना इतना आसान नहीं था। फ्रांस प्रथम विश्व युद्ध के विजेताओं में से एक था। फ्रांस के पास जर्मनी से ज्यादा टैंक्स थे, बढ़िया ट्रेन सोल्जर्स थे, उनकी आर्मी जर्मनी से ज्यादा मॉडर्नाइज थी तथा फ्रांस एक सुपर पावर था। वहीं दूसरी ओर जर्मनी ने किसी तरह अपने डूबे हुए देश को फिर से जीवित किया था। जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध से उभरे हुए कुछ साल ही हो रहे थे कि अब फिर से युद्ध में कूदने की बात हो रही थी, वो भी फ्रांस जैसी महाशक्ति के साथ। जर्मन आर्मी के सैनिक उतने अच्छी तरह से ट्रेन नहीं थे। जर्मन आर्मी के पास टैंक और आर्टिलरी भी फ्रांस से कम थी। जर्मन आर्मी के केवल 10% डिवीजन ही मोटराइज थे, यानी जर्मन आर्मी कम्युनिकेशंस या ट्रांसपोर्टेशंस के लिए अब भी घोड़ों पर ही निर्भर थी। और पोलैंड जैसे छोटे देश को जीतने में जर्मनी को 20 दिन लग गए। उसमें भी पोलैंड ने उन्हें अच्छी टक्कर दी तथा जर्मनी के 250 टैंक्स और 250 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर दिए। अब ब्रिटिश सेनाएं यानी ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स भी फ्रांस रवाना हो चुकी थी। इन सारे कारणों की वजह से जर्मन जनरल्स को जर्मनी की हार नजर आ रही थी। वो हिटलर को मनाने में लगे हुए थे कि वो युद्ध का रास्ता छोड़ बातचीत कर समस्या का हल निकाल ले, परंतु हिटलर अपना मन बना चुका था। उसने कहा कि सही समय आने पर वो अवश्य फ्रांस पर हमला करेगा। हिटलर के जनरल्स मरते क्या ना करते, उन्होंने हिटलर को एक प्लान सौंपा कि हम हॉलैंड बेल्जियम से होते हुए फ्रांस की राजधानी पेरिस तक घुस जाएंगे। वर्ल्ड वॉर वन में भी जर्मनी ने यही प्लान से हमला किया था, जिसमें उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। इसे शिफन्स प्लान कहा जाता है। हिटलर ने इस प्लान को ठुकरा दिया कि इसमें तो कोई इनोवेशन ही नहीं है, ये क्या वही बोरिंग सा प्लान है, कुछ नया करो। परंतु फिर हिटलर के सामने एक ऐसा जनरल आ टपका जिसने इतिहास ही बदल कर रख दिया, लेफ्टिनेंट जनरल एरिक वॉन मेनस्टाइन। मेनस्टाइन ने हिटलर से कहा कि हम बेल्जियम के रास्ते से फ्रांस में हमला तो करेंगे ही, परंतु जो हमारा मेन अटैक होगा वो आर्डन के घने जंगलों से होगा। आर्डन फॉरेस्ट से हम फ्रांस में घुस जाएंगे तथा ब्रिटिश और फ्रेंच सेनाओं को घेर लेंगे। बात यह थी कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद फ्रांस ने जर्मनी के हमले से बचने के लिए बनवाई थी मैजिनो लाइन। मैजिनो लाइन किलेबंदी या फोर्टिफिकेशंस थी, जहां से किसी भी आर्मी का आना काफी कठिन था। परंतु आर्डन के घने जंगलों के यहाँ मैजिनो लाइन नहीं थी, क्योंकि फ्रांसीसियों को लगता था कि आर्डन जैसे घने पहाड़ी जंगलों से थोड़ी कोई सेना कभी आ पाएगी, इसीलिए मैजिनो लाइन को उन्होंने एक्सटेंड नहीं किया। बाकी जनरल्स को तो ये प्लान बिल्कुल पागलपन लगा, पर हिटलर को ये प्लान बहुत पसंद आ गया। उसने इसे हरी झंडी दे दी। हिटलर एक बहुत बड़ा जुआ खेलने जा रहा था, क्योंकि जंगलों से 10 लाख की सेना का आना कोई मजाक नहीं था। अगर टैंक्स जंगलों में ही अटके रह जाएं, तो सब कुछ गोबर हो जाएगा। परंतु इससे पहले कि हिटलर फ्रांस पर हमला करता, एलाइस की नजर नॉर्वे पर जा चुकी थी। जर्मनी को स्वीडन से आयरन ओर मिला करता था, जो कि जर्मनी के लिए इस युद्ध काल में परम आवश्यक था। स्वीडन से आयरन ओर नॉर्वे के नाविक पोर्ट से जर्मनी तक पहुंचता था। ब्रिटेन और फ्रांस नॉर्वे पर हमला कर जर्मनी की आयरन ओर सप्लाई को काटने की सोच रहे थे। हिटलर ने एलाइस के इरादों को भांपते हुए 9 अप्रैल 1940 को डेनमार्क तथा नॉर्वे पर आक्रमण कर दिया। अब डेनमार्क इसीलिए क्योंकि रास्ते में पड़ता था, जर्मनी से चिपका हुआ था। डेनमार्क में तो जर्मन्स का आसानी से कब्जा हो गया, परंतु नॉर्वे को बचाने के लिए ब्रिटेन ने सैनिक भेजे। जर्मन्स और ब्रिटिशर्स के बीच नेवल बैटल्स वगैरह हुई, जिसमें ब्रिटिशरों ने मुंह की खाई और जर्मन आर्म्ड फोर्सेस यानी द वेयरमैक्ट ने नॉर्वे पर भी जीत का परचम लहरा दिया। इस करारी हार के बाद ब्रिटिश पीएम नेवल चेंबरलेन को पिछवाड़े पर लात मार के निकाल दिया तथा विंस्टन चर्चिल नामक टकला नया पीएम बन गया। चर्चिल को पीएम बने हुए एक दिन नहीं हुआ था कि हिटलर ने हॉलैंड और बेल्जियम पर जबरदस्त हमला कर दिया।
हॉलैंड की आर्मी का जर्मन आर्मी के सामने कोई मैच नहीं था। सुप्रीम कमांडर ऑफ द फ्रेंच आर्मी जनरल गेमेलान को विश्वास हो गया कि जर्मन हमला वर्ल्ड वॉर वन की ही तरह बेल्जियम के रास्ते हो रहा है। फलस्वरूप फ्रेंच आर्मी के बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोटराइज्ड वेल ट्रेन डिविजन्स को बेल्जियम की ओर भेज दिया गया। ये खबर सुन के हिटलर के मन में लड्डू फूटने लगे, क्योंकि मेन जर्मन आर्मी तो आर्डेन के घने जंगलों से आने वाली थी। फ्रेंच रिकॉनेसेंस ने फ्रेंच हाई कमांड को जानकारी भी दी कि आर्डेन फॉरेस्ट के पास जर्मन टैंकों का बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। पर फ्रेंच हाई कमांड के अनुसार आर्डेन फॉरेस्ट से एक टैंक का आना ही असंभव था, पूरी आर्मी का आना तो दूर। परंतु जर्मन आर्मी ग्रुप ए यानी मेन असॉल्ट आर्डेन से होने वाला था। खैर, उत्तर में 14 मई को लुफ्तवाफा ने रोटरडैम पर भयंकर बमों की बरसात कर दी। अगले ही दिन हॉलैंड ने सरेंडर कर दिया। ये छोटे मोटे सरेंडर्स की छोड़ो, वहां वो हो चुका था जो अब तक फ्रांसीसियों को असंभव लग रहा था। 45 से ज्यादा जर्मन डिविजन्स आर्डन फॉरेस्ट को चीरते हुए फ्रांस में घुस चुकी थी। फ्रांसीसियों को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। जर्मन स्टुका बॉम्बरों ने फ्रांसीसी लाइंस पे बम बरसा उनकी कम्युनिकेशंस को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। फ्रांसीसी सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। अब जर्मन सेना बॉर्डरिंग टाउन सेडान की ओर बढ़ने लगी। फ्रांसीसियों ने अनुमान लगाया कि बॉर्डरिंग टाउन सेडान तक पहुंचने में जर्मन्स को 14 दिन लगेंगे। उन्होंने सेडान को डिफेंड करने की तैयारी शुरू कर दी। परंतु जर्मन सेना मात्र 3 दिन में ही सेडान में घुस गई तथा फ्रांसीसियों पर धावा बोल दिया। मात्र एक ही दिन में जर्मन सेना ने सेडान पर जीत का परचम लहरा दिया। ये जर्मन सैनिक 4 दिन से सोए ही नहीं थे, लगातार स्पीड में चले जा रहे थे तथा दुश्मनों को गोलियों से भूनते जा रहे थे, जिसका कारण था परविटिन मेथमफेटामीन। जर्मन सेना की सफलता का राज टेक्नोलॉजी, टैक्टिक्स और सुपीरियर प्लानिंग तो था ही, साथ ही परविटिन नामक ड्रग भी। परविटिन मेथमफेटामीन का प्रयोग जर्मनी में लोग लगातार जोश से भरे रहने तथा लंबे समय तक काम करने के लिए किया करते थे। ये किसी भी मनुष्य के लॉजिक और एम्पैथी को खत्म कर देता था। अब यही ड्रग जर्मन सैनिक ले रहे थे। परविटिन के कारण जर्मन सैनिक सुपर सैनिक बन चुके थे। वह पूरी निडरता से दुश्मनों पर टूट पड़ते तथा उन्हें मरने जीने का कोई होश ना रहता। परविटिन मानव को दानव में परिवर्तित कर दिया करता। शुरुआत में कई सारे जर्मन सैनिक डिप्रेस थे कि कहां युद्ध लड़ने भेज रहे हैं, उनका मोराल लो था। परंतु परविटिन के बाद यही सैनिक उत्साह से भर गए। इसी कारण जर्मन सैनिक कई दिनों से बिना रेस्ट, बिना नींद के पूरी तेजी और बहादुरी के साथ फ्रांसीसियों से लड़ पा रहे थे। जर्मन इंजीनियर्स फ्रांसीसी गोलियों से होते हुए धड़ाधड़ मास रिवर पर पुल बना रहे थे। जर्मन सेना ने मास रिवर को भी पार कर लिया। फ्रांसीसी खेमे में कोलाहल मच गया। वह कन्फ्यूजिया गए कि अब तो हम हार ही चुके हैं। जर्मन्स अंदर तक घुस चुके थे। सब कुछ इतना तेज हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि ये जर्मन सैनिक कोई दूसरे ग्रह से आए हों। लग ही नहीं रहा था कि ये वर्ल्ड वॉर वन वाला जर्मनी है। कई सारे जर्मन जनरल सुर्खियां बटोर रहे थे। उनमें से एक था 9th पेंजर कोर का कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हाइंस गुडेवियन। सेडान की जीत के बाद गुडेवियन को अपने सुपीरियर से रुकने का आदेश मिला, परंतु गुडेवियन ने अपने सीनियर्स के आदेश को ही ठुकरा दिया तथा अपने टैंकों के साथ पश्चिम की ओर कूच पर निकल पड़ा। फ्रांसीसियों को पता चल गया कि जर्मन्स उन्हें घेरने वाले हैं। फलस्वरूप मॉरिस गेमलान ने हॉलैंड और बेल्जियम में खड़ी अपनी सेनाओं को तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया। सैनिक कन्फ्यूजिया गए कि हो क्या रहा है, पीछे क्यों हट रहे हैं। उनके मोराल को धक्का लगना शुरू हो गया। हॉलैंड बेल्जियम से आए रिफ्यूजीज ने उनके रिट्रीट को भी स्लो कर दिया। जर्मन एडवांस की तेजी को देखकर फ्रांसीसी पीएम पॉल फ्रेनो को बहुत बड़ा सदमा लग गया। उसने चर्चिल को फोन किया और कहा, हम हराए जा चुके हैं,
हमें पीटा जा चुका है, हम लड़ाई हार चुके हैं। ब्लिट्सक्रीग की इतनी सफलता के बावजूद भी जर्मन आर्मी को अब भी बहुत बड़ा खतरा था। अब भी जर्मन आर्मी ट्रांसपोर्टेशन के लिए घोड़ों पर ही निर्भर थी। जर्मन टैंक्स अपनी इन्फेंट्री को पीछे छोड़ बहुत आगे निकल चुके थे तथा उनकी लाइंस भी बहुत स्ट्रेच्ड हो गई थी। एलाइज इन स्ट्रेच्ड लाइन पर काउंटर अटैक कर सकते थे और हुआ भी वही। 17 मई को कर्नल चार्ल्स डिगॉल के नेतृत्व में फ्रांसीसी टैंकों ने जर्मन लाइंस पर काउंटर अटैक कर दिया। फ्रांस के पास जर्मनी से बेहतर टैंक्स थे, परंतु फ्रांसीसी टैंक्स लुफ्टवाफा का शिकार बन गए और ये काउंटर अटैक फेल हो गया। अब गुडेरियन को रोकने वाला कोई नहीं था। ब्लिट्सक्रीग किया कैसे जाता है, अब गुडेरियन पूरी दुनिया को बताने वाला था। 19 मई को गुडेरियन पेरोन पहुंच गया। 20 की दोपहर को अमियांस पर भी कब्जा कर लिया। रात के 9 बजे अबाविल पर कब्जा कर लिया तथा मध्य रात्रि को नोयल्स पर कब्जा कर लिया। गुडेरियन इंग्लिश चैनल तक पहुंच गया, यानी वो इतनी जल्दी उस कोने से इस कोने तक पहुंच गया। ऐसा लग रहा था मानो गुडेरियन युद्ध करने नहीं बल्कि टैंक पे बैठ के व्लॉगिंग करने आया हो। अरे इतनी तेजी से तो व्लॉगर्स भी नहीं जाते, ये तो टैंक से लड़ लड़ के यहाँ तक पहुँच गया। अरे तुम्हें ब्लिट्सक्रीग करना ही है तो करो, पर ऐसे भी तो मत करो, तुमने तो मजाक ही बना कर रख दिया। दुश्मन को थोड़ा तो सीरियसली लो। कई बार तो गुडेरियन इन्फेंट्री से 50 किलोमीटर आगे निकल जाता, यानी टैंक्स आगे आगे चल रहे हैं और 50 किलोमीटर पीछे इन्फेंट्री है। वहीं दूसरी ओर बेल्जियम के रास्ते से भी जर्मन सेना एलाइस को हराते हुए आ रही थी। फिलहाल जर्मन सेना इंग्लिश चैनल तक पहुंच तो गई थी, पर समस्या वही थी, उनकी स्ट्रेच्ड लाइंस। जर्मन हाई कमांड अपनी स्ट्रेच्ड लाइंस को लेकर बहुत चिंतित था। उनकी ये लंबी लंबी लाइंस काउंटर अटैक के लिए वल्नरेबल थी। फलस्वरूप 21 मई को इस बार ब्रिटिशरों ने अरास नामक शहर पर जर्मन्स पर काउंटर अटैक किया, पर 7th पेंजर डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल अरविन रोमल ने इस अटैक को आसानी से फेल कर दिया। गुडेरियन के साथ साथ अरविन रोमल ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। रोमल की 7th पेंजर डिवीजन इतनी तेजी से आगे बढ़ती थी कि जर्मन हाई कमांड को पता ही नहीं चलता कि इस वक्त वो लोग कहां पर हैं। वो भी रोमल को ट्रैक नहीं कर पाते थे, इसीलिए 7th पेंजर डिवीजन को द घोज डिवीजन कह के पुकारा जाने लगा। एलाइस के सारे काउंटर अटैक्स फेल हो चुके थे। फलस्वरूप 22 मई को गुडेरियन के पेंजर्स ब्रिटिश फ्रेंच आर्मी का कीमा बनाने के लिए निकल पड़े। वो बुलोइन, कैले और डनकर्क की ओर बढ़ रहे थे। इसे देख घबराए हुए ब्रिटिश सेकंड कोर के कमांडर जनरल एलिन ब्रूक ने कहा, हम ये चमत्कार के सिवाय कोई नहीं बचा सकता। 25 मई को जर्मन सेना ने बुलोग्न पर कब्जा कर लिया तथा 26 मई को कैले पर भी जीत का परचम लहरा दिया। फ्रांसीसी पीएम पॉल रेनो ने जनरल गेमलान को पिछवाड़े पर लात मार के निकाल दिया तथा जनरल वेगोन को नया सुप्रीम कमांडर बना दिया। तीनों ओर से घिरे हुए एलाइस के पास अब केवल डनकर्क ही बचा था। 4,00,000 से ज्यादा एलाइड सैनिक भागने के लिए डनकर्क में इकट्ठा हो गए। जर्मन पेंजर्स उनको रौंदने के लिए डनकर्क की ओर आ रहे थे। ब्रिटिश फ्रेंच सैनिक अब भगवान भरोसे थे, या तो वो जर्मन्स द्वारा बंदी बनाए जाने वाले थे या मारे जाने वाले थे। परंतु फिर हिटलर ने एक अजीब सा ऑर्डर दे डाला। हिटलर ने आगे बढ़ते हुए जर्मन पेंजर्स को रुकने का आदेश दे दिया। जर्मन टैंक कमांडर्स चौंक गए, वो तो फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश सेनाओं को कुचलने के लिए आतुर हो रहे थे। वो सोचने लगे कि ये लोग पागल तो नहीं हो रहे, हमें क्यों रोका जा रहा है। शायद भगवान ने एलाइट सैनिकों की प्रार्थना सुन ली। अब हमें नहीं पता कि हिटलर ने ये ऑर्डर क्यों दिया, परंतु कई इतिहासकारों के अनुसार हिटलर ब्रिटेन से पीस चाहता था तथा पार्टनरशिप में काम करना चाहता था, इसीलिए उसने अपने टैंकों को रोक दिया। तो कई इतिहासकार ये कहते हैं कि लुफ्टवाफा चीफ
हरमन गोरिंग ने हिटलर को कन्विंस कर लिया कि एलाइड आर्मीज को तबाह करने का सौभाग्य जर्मन एयरफोर्स लुफ्टवाफा को मिलना चाहिए। लुफ्टवाफा इन एलाइड आर्मी पर बम बरसाकर इन्हें आराम से तबाह कर देगी। तब तक आर्मी को भी रेस्ट मिल जाएगा। वैसे भी जर्मन टैंक्स बहुत दिनों से लगातार बिना रेस्ट के चले ही जा रहे थे। हो सकता है इसीलिए हिटलर ने उन्हें रुकने का आदेश दे दिया हो, जिससे वे आराम फरमा लें तथा अपने टैंक्स की रिपेयरिंग और रिफ्यूलिंग कर लें। खैर, अब लुफ्टवाफा प्लेन्स डनकर्क की ओर निकल पड़े, परंतु धुएं के बादलों की वजह से वो अपने टारगेट्स को सही से हिट नहीं कर पा रहे थे। उधर इंग्लैंड से धड़ाधड़ नाव और शिप्स आ रही थी तथा सैनिकों को निकाल रही थी। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स भी लुफ्टवाफा के मुकाबले में उतर गई। उन्होंने कई जर्मन प्लेन्स को तबाह कर दिया। 3 जून तक 3,38,000 सैनिक अपने सारे हथियार छोड़ नाज़ियों से बचकर भाग चुके थे। डनकर्क इवैक्यूएशन सफल हो गया, जो कि एक चमत्कार था। गोरिंग की लुफ्टवाफा पूरी तरह से फेल हो गई। 4 जून को जर्मन सेना डनकर्क पहुंच गई और उन्होंने वहां खूब वीडियोग्राफी वगैरह की कि देखो कैसे ये भगोड़े हमसे डर के अपने सारे हथियार छोड़ के भाग गए। खैर, 8 मई को अरविंद रोमल ने फ्रांसीसी राज्य नॉर्मंडी पर हमला कर दिया तथा राजधानी रुआंस पर कब्जा कर लिया। जर्मन आर्मी की इस सफलता को देख उधर इटली के फासिस्ताना शाह मुसोलिनी ने भी ब्रिटेन और फ्रांस पर युद्ध का ऐलान कर दिया। La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. फिलहाल अब जर्मन आर्मी पेरिस को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रही थी। को नाज़ियों ने राजधानी पेरिस पर कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी सरकार ने बिना लड़े ही पेरिस को खाली कर दिया। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि वॉर्सो और रोटरडैम की ही तरह पेरिस जैसे ऐतिहासिक शहर का भी लुफ्टवाफा भरता बना देगी। इसीलिए फ्रांसीसी आर्मी ने पेरिस को पहले ही खाली कर दिया। आईफिल टावर पर हाकेन क्रूज लहरा दिया गया। जर्मन सैनिक पेरिस की सड़कों पर मार्च कर रहे थे। अब फ्रांसीसी सरकार ने जर्मन से हमला रोकने की विनती की तथा युद्ध विराम यानी आर्मिस्टिस पर हस्ताक्षर करने की बात की। हिटलर ने फ्रांस की बात मान ली। 22 जून को हिटलर ने आर्मिस्टिस के लिए एक पुराना रेल का डिब्बा मंगवाया। इस पुराने रेल के डिब्बे में फ्रांस ने आर्मिस्टिस यानी युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए। ये कोई साधारण रेल का डिब्बा नहीं था। इसी सेम डिब्बे में फ्रांस ने जर्मनी से वर्ल्ड वॉर 1 का आर्मिस्टिस साइन करवाया था। अब हिटलर ने वही डिब्बा मंगवा के फ्रांस से आर्मिस्टिस साइन करवाया। बाद में इस डिब्बे को बर्लिन ले जा एक म्यूजियम में सजवा दिया गया। हिटलर का बदला पूरा हुआ। उसने फ्रांस को पूरी तरह से बेइज्जत कर दिया। पर फ्रांसीसी जनरल चार्ल्स डिगॉल ने इस आर्मिस्टिस को मानने से इनकार कर दिया। Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. तथा लंदन भाग गया। लंदन में उसने फ्री फ्रांस नामक सरकार बनाई। जर्मन सेना ने 17,50,000 फ्रांसीसी सैनिकों को बंदी बना लिया। जी हाँ, सही सुना आपने, 17,50,000 फ्रांसीसी सैनिक अब जर्मन कैद में जा चुके थे। इसी से पता चलता है कि ये पूरे मिलिट्री इतिहास की एक बहुत बड़ी जीत थी। इन 17,50,000 में से 36,000 ऑफिसर्स थे तथा 136 जनरल्स। इस करारी हार के लिए फ्रांस को आज तक चिढ़ाया जाता है।
हिटलर ने आधे फ्रांस पर कब्जा कर लिया, जिसे नाजी ऑक्यूपाइड फ्रांस कहा गया। वहीं दूसरी ओर बाकी के आधे फ्रांस पर उसने कब्जा तो नहीं किया, परंतु अपनी एक पालतू सरकार स्थापित करवा दी, जिसे वीशी फ्रांस कहा गया। फ्रांस का कुछ छोटा सा हिस्सा इटली ने भी ले लिया। मात्र 6 हफ्तों में फ्रांस जैसी महाशक्ति पर जर्मनी ने विजय प्राप्त कर ली। एरिक वॉन मेनस्टाइन को इनाम के तौर पे लेफ्टिनेंट जनरल से फुल जनरल बना दिया गया, यानी जर्मनी की भाषा में जनरल ओबर्स्ट या कर्नल जनरल। भले ही जर्मनी टेक्नोलॉजी और आर्मी के मामले में फ्रांस से इंफीरियर था, परंतु प्लानिंग और स्ट्रेटेजी में सुपीरियर होने के कारण उन्हें बहुत बड़ी जीत मिली। जब हिटलर वापस जर्मनी गया तो उसका बहुत भव्य स्वागत हुआ। आम जर्मन नागरिक को लग रहा था कि इसने तो प्रथम विश्व युद्ध का बदला ले लिया है, पर इन आम जर्मन नागरिकों को क्या पता था कि आगे जाके यही हिटलर जर्मनी का बेड़ा गर्क करवा देगा। तो ये थी जर्मनी की फ्रांस जैसी महाशक्ति पर विजय की कहानी। परंतु हिटलर की पूरी कहानी जानने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, तथा हिटलर के सबसे खतरनाक युद्ध यानी बैटल ऑफ स्टालिनग्राड के बारे में जानने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।